भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी श्री बैजयंत जयपांडा ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नई पहचान और राष्ट्रभक्ति का जो सम्मान मिला है वह दशकों से नहीं मिल रहा था। पार्टी प्रदेश कार्यालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री पांडा ने कहा कि यह यात्रा उन लोगों को जवाब है जिनका काम देशभक्ति का मजाक बनाना बन चुका है। महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता, कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती योगिता सिंह, मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार जिंदल, महिला मोर्चा की महामंत्री डॉक्टर मोनिका पंत एवं श्रीमती टीना शर्मा सहित अन्य प्रदेश एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो देश के अंदर हर बहन बेटी को स्वतंत्रता और आजादी, शिक्षा के साथ उनको स्वतंत्रता मिली, इस बात का प्रतीक है ये तिरंगा। इस देश के अंदर जो किसान काम करते हैं, उनके किसान की खेत जो में जो फसल लहलहाती है, उस फसल का प्रतीक तिरंगा है। ये तिरंगा इस देश की आजादी के बाद जो लोग देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास दिया है, उस बात का प्रतीक भी ये तिरंगा है। और ये तिरंगा हमारे स्वातंत्र संग्राम का बहुत बड़ी गाथा है। आपको पता होगा, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान दिया। उस समय एक ही ध्येय था, हमारे तिरंगे का आन मान शान बरकरार रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उसके लिए उन्होंने घर परिवार और कैरियर को दांव पर लगा दिया था, क्योंकि उस समय एक ही उद्देश्य था कि भारत की आजादी, और उस आजादी की संघर्ष का ये प्रतीक हमारा तिरंगा है, इसकी आन बान शान बढ़नी चाहिए। यही काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव मनाने का फैसला सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।